Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय चौथा, जिसका शीर्षक है एक गीत वर्षा का, रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ रिवाइज करेंगे। फर्स्ट इज फोड़ना। यू हैव टू रिपीट आफ्टर विद मी। फोड़ना का अर्थ होता है तोड़ना। स्पीक इट, तोड़ना। अत्याचार का अर्थ क्या होगा? बुरा बर्ताव। वेरी गुड, बुरा बर्ताव। ब को छोटे ऊ की मात्रा और र है जो बर्ताव में, वो यहाँ लिखना है, ठीक है? र पूरा नहीं डालना, आधा र पड़ेगा ऊपर के रूप में, बर्ताव। वार, प्रहार। वार, प्रहार, शाबाश। जेल खाना, जहाँ कैदी रखे जाते हैं, जहाँ कैदी रखे जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्षा होते देख बालक क्या कल्पना करता है? वर्षा होते देख बालक कल्पना करता है कि मानो किसी ने बादल रूपी घड़े को फोड़ने की शैतानी की है। क्या कल्पना करता है? कि किसी ने बादल रूपी, मतलब बादल है जो वो घड़े का रूप, यहाँ पर रूपक अलंकार कवि ने प्रयोग किया है, बादल रूपी बादल हैं जो वो घड़े के रूप के, उनको फोड़ने की शैतानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बालक बिजली के घर क्यों जाना चाहता है? आंसर विल बी, बालक बिजली के घर बच्चों को तलवार सिखाना चाहता है, ठीक है? क्यों बिजली के घर जाएगा वो? क्योंकि वो बालक है, उसे नहीं पता कि बिजली के बच्चे नहीं होते, बट वो इमेजिन कर रहा है कि बिजली के बच्चों को तलवार वो सिखाना चाहता है, इसीलिए वो बिजली के घर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिसमैन किससे डर जाएंगे बताइए? जब बालक के पास तलवार होगी, जब बालक के पास तलवार होगी, पुलिसमैन बालक की तलवार से डर जाएंगे, शाबाश। जब बालक के पास तलवार होगी, पुलिसमैन बालक की तलवार से डर जाएंगे। माँ बालक को क्या मंगाने का वादा करती है? वो क्या कह रही थी कि हाँ बेटा, मैं आपके लिए ये चीज़ ज़रूर मंगवाऊंगी। क्या चाहती थी वो? माँ बालक के लिए तलवार मंगवाने का वादा करती है। वेरी गुड, क्या मंगवाना चाहती है वो? बालक के लिए तलवार, क्योंकि वो ज़िद करता है ना कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा और उन्हें तलवारबाजी सिखाऊँगा, वो बिजली जो चमक रही है उसे भी तलवार की भांति देखता है, तब वो ज़िद करता है। उसकी माँ बोल देती है कि मैं आपको तलवार लाकर दूंगी, मंगवाऊंगी आपके लिए तलवार। नेक्स्ट, काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहले हम काव्यांश पढ़ते हैं। काव्यांश होता है पोइम का एक्सट्रैक्ट। अभी अभी थी धूप बरसने लगा, कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। इस एक्सट्रैक्ट में, इसी में से हमें आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है? अगर कोई काव्यांश पर आधारित प्रश्न पूछता है, इट मीन्स हमें इसी
एक्सट्रैक्ट में से आंसर मिल जाएंगे। बादल के घड़े फोड़ने का क्या अर्थ है? आसमान से पानी बरसना, मानो आसमान रूपी घड़े को किसी ने तोड़ दिया है। ठीक है, घड़े फोड़ने का अर्थ है आसमान से पानी बरसना। जैसे आसमान रूपी घड़ा है जो वो किसी ने तोड़ दिया है और वो टूटने से उसमें से पानी आ रहा है। सूरज की माँ ने उसे घर के अंदर क्यों बुला लिया होगा? जैसे माँ अपने बच्चों को घर बुलाती है ताकि वह बाहर कोई शैतानी ना कर सके, उसी तरह सूरज की माँ ने भी उसे बुला लिया होगा। जैसे माँ अपने बच्चों को घर बुलाती है, देखिए कि बाहर आपको बुलाती है ना मम्मा, बाहर से आवाज़ देकर बुला लेती है कि कोई शैतानी ना करे बच्चा, ऐसे ही सूरज की माँ ने भी जब शाम हो चुकी है या फिर बादल सूरज के आगे आ गए हैं और सूरज, ऐसे बोला गया है कविता में कि सूरज ने क्या बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, वो लाइन याद है ना आपको, दैट वॉज इंक्लूडिंग इन इन। जैसे माँ अपने बच्चों को घर बुलाती है ताकि वह बाहर कोई शैतानी ना करे, उसी तरह सूरज की माँ ने भी उसे बुला लिया होगा। सूरज के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूरज का अर्थ क्या क्या होगा? दिनकर, सूर्य, सूर्य भी बोल सकते हैं हम, भानु भी बोल सकते हैं, है ना। शैतानी शब्द को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। शैतानी शब्द है वो वाक्य बनाइए इसका। कक्षा में छात्र शैतानी कर रहे हैं। आगे देखिए, पंक्तियाँ पूरी कीजिए। इम्पॉर्टेंट है बेटा, यू हैव टू लर्न इट परफेक्टली। वर्ड्स शुड बी वेरी करेक्टली रिटन। सूरज ने डैश कर लिया, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का डैश, अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आ जा। बिजली के आंगन में अम्मा, चलती है किसकी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी, क्यों खाली जाते हैं वार। ठीक है, देखिए, वी विल रिवाइज इट अगेन। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, दरवाज़ा नहीं है, ज है, बिंदी आएगी यहाँ पर, उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आ जा। बिजली के आंगन में अम्मा, चलती है किसकी तलवार, किसकी में देखो पहले छोटे ऊ की मात्रा आएगी देन बड़े ऊ की, कैसे चमक रही है फिर भी, क्यों खाली जाते हैं वार। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड बेटा, अच्छे से इसे याद करना। ठीक है, बाय बाय।